हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक है हमारे पास जिब्लॉन्स्की डायग्राम। ओके, बीएससी थर्ड ईयर का ये टॉपिक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी भी है अगर आप ध्यान से देखें, कॉन्सेंट्रेट हो गए तो। ओके, हर साल इससे क्वेश्चन आता है तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और मेरी कोशिश है कि बिल्कुल छोटे में इसको समराइज करके आपको समझा सकूं। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बातों को सुनिएगा, और जो कुछ बताया जाएगा उसको समझने की कोशिश करिएगा, ज़रूर समझ पाएंगे आप। ओके, फिर उसे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो जिब्लॉन्स्की डायग्राम, हालांकि मैंने इसका स्क्रिप्ट बनाया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट फ्लोरिसेंस फास्फोरिसेंस, ये जिब्लॉन्स्की डायग्राम नाम है तो डायग्राम तो होगा ही, और ये वही डायग्राम है। किताबों में अलग अलग तरीके से डायग्राम दिखाया जा सकता है जरूर, लेकिन टॉपिक्स आपको ये सारे मिलेंगे आपको, मतलब फ्लोरिसेंस फास्फोरिसेंस ISC एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिंगलेट स्टेट ग्राउंड स्टेट सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट IC ISC ये सब चीज़ें, बस इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिए, जिब्लॉन्स्की डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को समझाना है मुझे आपको, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये ग्राउंड स्टेट है, सिंगलेट वर्ड आया है, ठीक है, सिंगलेट वर्ड आया है। तो पहले मैं सिंगलेट और ट्रिपलेट पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में अपने बात किया है सिंगलेट और ट्रिपलेट का, लेकिन यहाँ पर आया है सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो पहले आपको जानना होगा सिंगलेट और ट्रिपलेट हम वर्ड यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। ओके, इसको सिंगलेट क्यों बोल रहे हैं, इधर ट्रिपलेट क्यों बोल रहे हैं, एक चीज़ थोड़ा ध्यान देखिए। तो अगर एनर्जी का मैं ऑर्डर बना दूँ तो अब देखो, तो सिंगलेट का एनर्जी जो है, या ट्रिपलेट की एनर्जी बोलो, तो ट्रिपलेट की एनर्जी क्या है, कम है सिंगलेट से, ठीक है, T1 का S1 से। दिखाई दे रहा है, देख के लग रहा है कि हाँ, अगर एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो हर ट्रिपलेट का अपने सिंगलेट से एनर्जी उसका क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है ये भी बताएंगे अभी, और बात करते हैं सिंगलेट कैसे है और ट्रिपलेट कैसे है, इसको फटाफट से जान लेते हैं, क्लियर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन है हमारे ग्राउंड स्टेट में, किसी मॉलिक्यूल, कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स अगर इसे एंटीक्लॉकवाइज, मैं एंटीक्लॉकवाइज को ले रहा हूँ, H𝛎 अगर लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, ये एक्साइट करके दो तरीके से एडजेस्ट हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में, हालांकि ऊपर भी जा सकता है, मैं नीचे वाले में दिखा रहा हूँ, दो तरीके से। पहला ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे एंटी क्लॉकवाइज है, तो पहला एंटी क्लॉकवाइज में, दूसरा का ये हो सकता है कि वो इसका स्पिन चेंज हो जाए, मतलब वो क्लॉकवाइज में हो जाए। कितनी बातें क्लियर है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, पहला ये कि वो जैसा है अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो एंटी क्लॉक में ही, और या फिर ये हो सकता है कि एक्साइटेशन के थ्रू उसका स्पिन चेंज हो जाए, दो पॉसिबिलिटीज़, क्लियर। तो इस पॉसिबिलिटीज़ में क्या बातें होंगी, इस पॉसिबिलिटीज़ में क्या बातें होंगी, कहाँ कहाँ होंगी, ये बातें मैं बता दे रहा हूँ। तो हालांकि सिंगलेट लाइन दिखाया गया है, ट्रिपलेट ये पोजीशन है, याद रखिएगा, ये केवल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर है ट्रिपलेट ये पॉइंट, ठीक है। सिंगलेट को ट्रिपलेट से अलग इसलिए किया गया है, एक ही भी दिखा दूंगा तो दोनों की एनर्जी सेम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ ट्रिपलेट यहाँ पर है, सिंगलेट यहाँ पर है, सिंगलेट ट्रिपलेट का अलग इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ट्रिपलेट की एनर्जी सिंगलेट से, ट्रिपलेट की एनर्जी सिंगलेट से क्या होती है, कम, क्लियर। तो आप देख पा रहे हो, तो पहले के केस में मैं यहाँ सिंगलेट और ट्रिपलेट बताने के लिए बस यहाँ पर ले रहा हूँ कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर बात करें तो एक क्लॉक वाइज होगा प्लस हाफ, एंटी क्लॉक माइनस हाफ, क्लियर। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक स्पिन, एक कैपिटल S आ जाएगा, ये वैल्यू जिसका हम यूज़ करते हैं 2s+1 याद करने में, ये क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो ये जो S है, यानी स्पिन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर का जो इलेक्ट्रॉनों का जो सम होगा, यहाँ पर ऐड करेंगे रखेंगे, मतलब अगर हम बात करें कि ये जो S है अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट जो सिंगलेट रखा गया है, पहले ये आप जान लो कि ग्राउंड स्टेट सिंगलेट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, इनकी वैल्यू आएगी आपका
जीरो आएगा, और जीरो वैल्यू आप इस स्प्रिंग मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे तो 2s प्लस 1 में, तो क्या जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, 1 का मतलब सिंगल, सिंगल से ही बना है आपका सिंगलेट। इतनी बातें क्लियर है? ओके सो अब बातें इसी सिंगलेट को लेकर थोड़ा ऊपर में बात कर देता हूँ कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट जाता है, अगर उसकी स्पिन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी माइनस हाफ होगी। और जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन रखा है, मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले वाले का प्लस हाफ, दूसरे वाले का माइनस हाफ, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 1। इसकी भी क्या आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी 1। क्यों? क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे प्लस 1, जीरो हो जाएगा प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 सिंगलेट। ओके अब बात करते हैं ट्रिपलेट, तो इसीलिए इस पॉइंट को हमने S1 S2 मतलब डिफरेंट सिंगलेट स्टेट है। ओके और अब बात करते हैं कि अगर स्पिन चेंज हो जाता है, तो स्पिन चेंज हो जाएगा मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब प्लस हाफ हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हाफ, यहाँ भी प्लस हाफ, तो कैपिटल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब एक प्लस हाफ और एक प्लस हाफ दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यस की वैल्यू 1। ठीक है अब इस यस की वैल्यू हम रखेंगे 2s+1 में, 2s+1 में आप यहाँ रख दीजिए, आपको मिल जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 1+1 = 3। 3 मिलने की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं, 3 का मतलब ट्राई, ट्राई से ट्रिपलेट। क्लियर? तो इसमें हम इसको टी से और सिंगलेट को एस से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? ये रहा सिंगलेट और ट्रिपलेट की कहानी। तो आपको डायग्राम में शो करना पड़ेगा कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट स्टेट सिंगलेट क्यों होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होते हैं और इनका स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ है, सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आएगी प्लस 1 आएगी। सो ये सिंगलेट फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में कब हो सकता है, सिंगलेट में कब होता है, मैंने अभी बताया। ओके तो ये रही सिंगलेट और ट्रिपलेट की कहानी। अब बात यहाँ पर ये है कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास IC वर्ड आया है, यहाँ पर इसके लिए एक IC और यहाँ पर ISC, सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करता हुए चलूँगा। ठीक है तो चलिए देखते हैं IC से क्या मतलब है। IC से मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइट करके यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर गया और ये ऊपर गया और ऊपर से अगर वो नीचे आता है, ठीक है, ठीक अगर वो नीचे है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है, ठीक, अगर वो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है सिंगलेट टू सिंगलेट में, मतलब देखो S2S में आता है, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, S2S में मतलब ये एक्साइटेशन इसमें, ये एक्साइटेशन इसमें, मतलब S2S में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, याद रखो ट्रांजिशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन अपर एक्साइटेड से अपने लोअर में एस में ही आता है, तो जो कन्वर्जन होगा, मतलब ये जो एक्साइटेशन होगा, ये जो ट्रांजिशन होगा, हम इसको बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन मतलब यस से फिर यस में अगर हो तो इसको भी क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन के अंतर्गत ही बताएंगे। ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन मतलब अंदर का मामला है, इंटरनल का मतलब हमारा ना आंतरिक, कन्वर्जन का मतलब आंतरिक, मतलब इस आंतरिक कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन का मतलब होता है कि हिंदी में बोले तो आंतरिक कन्वर्जन, मतलब आंतरिक का मतलब इस सेम प्रकार की मल्टीप्लिसिटी वाले में ही, मतलब स्पिन से, मतलब बस माने सिंगलेट टू सिंगलेट, मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट में ही अगर होगा तो क्या होगा, मतलब सेम टाइप में ही, बस मारिए सेम टाइप में, यस से यस अगर होगा तो इसको इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे, मतलब आंतरिक कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, दो पॉइंट यहाँ इसको अच्छे से रख रहा हूँ कि अगर हमारा सिंगलेट, कोई सा भी सिंगलेट टू सिंगलेट अगर कन्वर्जन होगा, मतलब ट्रांजिशन, कन्वर्जन का मतलब ट्रांजिशन में बोल रहा हूँ, अप टू डाउन, देन इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन को हम लोग सिंगलेट से ही सिंगलेट में अगर जाएगा तो हम इसको बोलेंगे IC मतलब इंटरनल कन्वर्जन, रिमेंबर इट। ओके दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि सर सेम टाइप में अगर होगा तो, अगर सेम टाइप में सिंगलेट टू सिंगलेट होगा तो इंटरनल कन्वर्जन, अगर सेम टाइप से मतलब S2T मतलब सिंगलेट टू ट्रिपलेट अगर हो जाए तो, ठीक है, सिंगलेट से ट्रिपलेट
अगर हो जाता है, या फिर कहें सर ट्रिपलेट टू सिंगलेट अगर ट्रांजिशन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर सेम टाइप का है तो आईसी, अगर डिफरेंट टाइप का होगा, अगर डिफरेंट टाइप से अगर ट्रांजिशन होता है, मतलब सिंगलेट टू ट्रिपलेट और ट्रिपलेट टू सिंगलेट, तो हम लोग इसको बोलते हैं आईएससी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आईएससी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक, इंटर का मतलब समझ आ रहा है? इंटर कास्ट रिलेशनशिप या मैरिज सुना होगा आप लोगों ने, मतलब डिफरेंट कास्ट से, मतलब सेम में नहीं, अगर आप डिफरेंट में चले जाओगे, अगर मतलब एस एस का रहेगा या टी का अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेट, अगर डिफरेंट में होगा तो ट्रिपलेट। आई होप समझ में आ रहे होंगे आप, मतलब सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट। ठीक है, ये ट्रांजिशन क्या कहलाएगा? आई एस सी। अगर सिंगलेट टू सिंगलेट सेम टाइप में होगा तो आई सी। इतनी बातें क्लियर हैं? ओके, सो अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो क्या है? रेडिएटिव एंड, ये तो समझ में आ गया, एस हो गया, एस हो गया, टी वन टी टू हो गया, आई एस सी समझ में आ गया। आई एस सी क्या होता है? समझ में आ रहा है? आई सिंगलेट टू ट्रिपलेट होगा, सिंगलेट टू ट्रिपलेट होगा, और इसका इसमें होगा तो सिंगलेट होगा। ठीक है, सॉरी सिंगलेट नहीं, क्या बोलते हैं इसको, आई सी, इंटरनल कन्वर्जन। क्लियर? ओके, अब बात यहाँ पर ये है कि रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। हालांकि सभी थे, आपको सारी चीज़ों को किताब में, मतलब कॉपी में आपको मेंशन करना पड़ेगा। रेडिएटिव, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ओके, अच्छा, सिंगलेट ट्रिपलेट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, पहला, जब कभी भी एक्साइटेड एस टू टू एस वन, याद रखिएगा, या एस वन से टी वन, इस प्रकार से कोई ट्रांजिशन होगा, मतलब एक्साइटेड एस टू, मतलब इस एस टू से एस वन में ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, या फिर एस वन यहाँ हो, एस वन से टी वन में इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट करके जाए, तो इस ट्रांजिशन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। क्लियर? याद रखिएगा, इसको अब शॉर्ट में मैंने लिखा, आप इसको समराइज करके मैंने लिखा, आप उसको थोड़ा सा एग्जाम में जब कॉपी पे लिखिएगा बोर्ड के, तो थोड़ा लेंदी कर सकते हो आप, कि एक्साइटेड सिंगलेट एस टू से इलेक्ट्रॉन जब एस वन में जाता है तो उसका पूरा नाम लिखिए। ओके, अब बात यहाँ पर हम थोड़ी बात करेंगे जल्दी से रेडिएटिव की बात। तो रेडिएटिव में क्या होता है कि जब कभी भी, याद रखिएगा, एस वन सिंगलेट एक्साइटेड वन और ट्रिपलेट एक्साइटेड वन का जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके किस में आएगा? ग्राउंड में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो ट्रांजिशन होगा इसे हम लोग बोलेंगे क्या? रेडिएटिव, रेडिएटिव ट्रांजिशन। इतनी बातें क्लियर हैं? रेडिएटिव मतलब, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एस वन से जब कभी भी ट्रांजिशन हमारा, एस वन से ट्रांजिशन एस जीरो में होगा, या टी जीरो टी वन से आपका ग्राउंड स्टेट में होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेडिएटिव, रेडिएटिव ट्रांजिशन। यहाँ पर क्या होता है? रेडिएटिव ट्रांजिशन। क्लियर? तो मैंने यहाँ लिख दिया है एस वन टी वन से एस जीरो, मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर ट्रांजिशन होगा, इसे हम लोग बोलेंगे रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन में ही दो अच्छी बातें होती हैं, वो क्या? दो अच्छी बातें सर वो बता दीजिए, अभी पता चलता है। रेडिएटिव में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, पहला फ्लोरिसेंस, फ्लोरी सेंस। ओके, दूसरा एक है फास्फोरिसेंस, फास्फोरिसेंस। कई बार आप लोगों ने बुक में देखा होगा फ्लोरिसेंस फास्फोरिसेंस, डायरेक्टली टिप्पणी इस पे पूछता है, कमेंट पूछता है, राइट कमेंट ऑन फास्फोरिसेंस एंड फ्लोरिसेंस। हिंदी में स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति कुछ ऐसा ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है कि पूछ सकता है कि फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस में क्या डिफरेंस है, या फ्लोरिसेंस फास्फोरिसेंस किसे बोलते हैं। ओके, तो अगर आपको पता रहेगा तो यहाँ आसानी से लिख पाएंगे, ये भी जिब्रांस की डायग्राम से अच्छे समझा जा सकता है। ओके, सो
फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस, मैं अगर आपको बता दूं, दिस इज द प्रोसेस, बोथ आर द प्रोसेस, बोथ आर द प्रोसेस, दोनों क्या है, प्रोसेस है। अब इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत गंदगी हो गई है, फिर भी समझते हैं। यहाँ पर ये कि फ्लोरिसेंस में क्या होता है कि जब कभी भी हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, S1 से किस में आए, S0 में आता है, ठीक, ये वेरी शॉर्ट टाइम में आता है, ठीक है, वेरी 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 स्मॉल टाइम में नीचे का आता है। और फ्लोरिसेंस का जो टाइमिंग होता है, ये जो फ्लोरिसेंस का जो टाइमिंग होता है, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, फ्लोरिसेंस का जो टाइमिंग होता है वो 10^-9 to 10^-7 तक का होता है। और जबकि फास्फोरिसेंस का टाइमिंग जो होता है 10^-3 to 10^-2। क्लियर है, मतलब यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा है कि जो फ्लोरिसेंस होता है थोड़ा लंबे समय के लिए होता है, मतलब वेरी फास्ट। फ्लोरिसेंस क्या होता है, ये फास्ट होता है, फास्फोरिसेंस क्या होता है, ये स्लो। लिख दिया जाए, लिखने से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, फ्लोरिसेंस फास्ट एंड फास्फोरिसेंस स्लो होता है। टाइमिंग देख के आपको लग रहा होगा 10^-3 to 10^-2 सेकेंड, ठीक है, टाइमिंग आप डाल सकते हो, वेरी स्लो। अब यहाँ पर बात ये है कि फ्लोरिसेंस क्या होता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, S1 to S0 ट्रांजिशन होता है। क्लियर, अच्छा, अब फास्फोरिसेंस कब होता है, फास्फोरिसेंस में क्या होता है कि जब T1 से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके S0 में आता है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फास्फोरिसेंस, रिमेंबर इट। फास्फोरिसेंस में क्या होता है, T1 से ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का जब S या ग्राउंड स्टेट में होता है, तो ग्राउंड स्टेट सिंगलेट में, इतनी बातें क्लियर हैं, तो ये बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब फिगर पे थोड़ी बात कर लेते हैं फटाक से, जो बना हुआ है हमारे सामने, एब्जॉर्प्शन H nu इलेक्ट्रॉन्स, H nu एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, वो एक्साइटेड S1 S2 S3 में जा सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होते हैं, ये ब्लैक ब्लैक वाला है, इसके बीच बीच में क्या है, डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स होते हैं, बिल्कुल आप गैप में देख पा रहे हो, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। और इधर ट्रिपलेट की एनर्जी क्या होती है, आप देख पा रहे हो, लिखना पड़ेगा आपको कि ट्रिपलेट की एनर्जी जो होती है सिंगलेट से क्या होती है, कम होती है, दिखाई दे रहा है, इस S2 की इस T2 से कम, इस S3 की इस T3 से कम, ठीक है, तो हर सिंगलेट वन का अपनी सिंगलेट T1 से, ठीक है, सिंगलेट का ट्रिपलेट से एनर्जी क्या होती है, सिंगलेट का ज़्यादा होता है और ट्रिपलेट का कम होता है, ऐसे याद रखो। ऐसे क्या होता है, मैंने बताया ये क्या हो रहा है कि सिंगलेट टू सिंगलेट अगर ट्रांजिशन होगा, मतलब सेम टाइप के सिस्टम में अगर ट्रांजिशन होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, मैंने बताया था अभी। ICSC मैंने बताया कि जब डिफरेंट में, मतलब सिंगलेट टू ट्रिपलेट अगर होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ISC, तो ISC भी सिंगलेट टू ट्रिपलेट होगा तो ISC होगा, तो थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ पर भी ट्रिपलेट टू सिंगलेट भी अगर होगा तो क्या होगा, ISC होगा, ओके। और ISC के थ्रू याद रखो, मैंने एक बात बताई कि नहीं बताई मैंने, कि इसमें स्पिन चेंज हो जाता है, ठीक है, ICs इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू जो स्पिन होता है, स्पिन जो होता है वो नो चेंज, ओके, जबकि ISC के थ्रू जो होता है स्पिन क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब समझ आ रहा है, तभी तो ट्रिपलेट में होता है। जैसे कि ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, सपोज मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, ऊपर गया, ठीक, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा आपका, देखो, तो ये दोनों का प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो जाएगा, सिंगलेट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पर आता है एक्साइट करके, जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, जब ये यहाँ पर आता है तो इसका स्पिन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ से अब यहाँ आने पर क्या होता है कि इसका स्पिन क्या होता है, पुनः क्या होता है, फिर
सिंपल सी बात है, क्लॉकवाइज है। अगर ये इसके साथ मिलना चाहता है तो ये पेयर होना चाहेगा, पेयर होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका स्पिन चेंज होना पड़ेगा। मतलब जैसे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर था तो ये पुनः अगर यहाँ आना चाहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, तभी यहाँ पर आ पाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में आएगा तो रिपल्सन फिर पास में रह नहीं पाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब T1 से फिर ग्राउंड स्टेट सिंगलेट में आता है तो फिर इसका स्पिन क्या हो जाता है, चेंज एंटी क्लॉकवाइज में हो जाता है। क्लियर? तो ISC में याद रखो कि स्पिन चेंज हो जाता है, इस बात को मैंने शायद बताया नहीं, सॉरी, आप ध्यान दीजिएगा। स्पिन चेंज किसमें नहीं होता, इंटरनल कन्वर्जन में, जबकि स्पिन चेंज हो जाता है किसमें, ISC में। इतनी बात है क्लियर। फास्फोरिलेशन में मैंने बताया कि ट्रिपलेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट मतलब ट्रांजिट होता है तो हम लोग इसको फास्फोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, टाइमिंग भी मैंने बताया, इसमें टाइमिंग भी मैंने डाला है कि ये जो है फास्फोरेसेंस जो होता है थोड़ा लॉन्ग टाइम का होता है, मतलब 10^-3 to 10^-2 के बीच तक का होता है, टाइमिंग लगता है और सेकेंड में। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो फास्फोरेसेंस फ्लोरिसेंस में 10^-9 to 10^-7 सेकेंड तक का लगता है टाइमिंग। ठीक है, मतलब ये जो फ्लोरिसेंस होता है दैट इज़ वेरी फास्ट, ये क्या होता है फास्ट, आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर आप समझने के लिए फास्ट, और ये क्या होता है आपका स्लो होता है। ठीक है, तो ये रही चिबलांसकी डायग्राम की कहानी, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसे ध्यान से एक बार फिर समझिएगा और इसको अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, वाकई मज़ा आएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।